आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक हैबिचुअल ऑफेंडर, अटेंशन डाइवर्शन का जिसका एमओ था और उससे बच्चों को चीट करके उनके सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट, ईयर स्टड्स चीट करके ले जाता था। इसका नाम शेख इस्माइल है, जो बच्चों को अकेले में पाकर उनसे बात करता था, उनसे दोस्ती बढ़ाता था, उनके फादर या फैमिली मेंबर्स का नाम लेकर उनको उनका ज्वेलरी चेंज करेगा, ईयर स्टड चेंज करेगा, ऐसे करके उनको चीटिंग करता था। टास्क फोर्स की तरफ से एक ट्रैप के बाद शेख इस्माइल क्रिमिनल का आज अरेस्ट हुआ और उसके अरेस्ट होने के बाद टोटल 12 केसेस हैदराबाद का और एक केस साइबराबाद का डिटेक्ट हुआ है। उसके पास से लगभग 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट एंड 500 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट का रिकवरी हुआ। ये क्रिमिनल का डिटेल इस तरह से है, शेख इस्माइल सन ऑफ शेख खाजामिया, एज 29 ईयर्स, बाई ऑक्यूपेशन लेबरर, रेसिडेंट ऑफ इंद्रम्मा कॉलोनी निज़ामपेट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, नेटिव ऑफ शांति नगर जहीराबाद संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। और इस अरेस्ट के बाद टोटल 13 केसेस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें काचीगुड़ा, चिकड़पल्ली, छतरी नाका, आसिफ नगर, अंबरपेट, जगतगिरी गुट्टा मार्केट, सैफाबाद, गांधीनगर, इन सब पुलिस स्टेशन का केसेस सॉल्व हुआ है। ये 29 ईयर ओल्ड शेख इस्माइल, इसके पहले 2010 से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसके पहले वो 9 ऑफेंसेस में अरेस्ट भी हो चुका है। एक अरेस्ट में इसको कन्विक्शन भी मिला था, क्राइम नंबर 995/2014, जुबली हिल पुलिस स्टेशन में 7 मंथ्स का इसको कन्विक्शन भी हुआ। उसके बाद कन्विक्शन के बाद जब ये सेंट्रल प्रिजन चंचलगुड़ा से बाहर आया जनवरी 2016 में, तो उसके बाद अपना प्लेस ऑफ शेल्टर हर एक महीने दो महीने पे ये चेंज करता, जिससे कि लोकल पुलिस और जो अपना क्राइम डिटेक्शन का टीम है उसको उसके बारे में पता नहीं चले। इसके पहले वो सनत नगर, जीडी मेटला, कुकटपल्ली और इस सब एरिया में भी केसेस किया था। इस केस के डिटेक्शन में जो टास्क फोर्स के तरफ से टेक्निकल टीम जो काम किए, उसमें सबसे बड़ा रोल है सीसीटीवी फुटेज का, और ये सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस और उसके बाद एमओ क्रिमिनल का वेरिफिकेशन, इसके तहत इस केस का डिटेक्शन हुआ। और आज मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पब्लिक का को एक अपील है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने से हैदराबाद में क्राइम बोथ प्रिवेंशन बहुत आसान हो गया है और उसको डिटेक्शन वो भी बहुत आसान हो गया है। तो पब्लिक से एक अपील करते हैं हम लोग कि अपने अपने रेसिडेंशियल कॉलोनीज में सीसीटीवी कैमरा लगाएं, जिससे कि क्राइम का प्रिवेंशन और डिटेक्शन में पुलिस को मदद मिले। ये केस एसएचओ गांधीनगर को हैंडओवर किया जाएगा और इस केस के लिए हमारे डीसीपी टास्क फोर्स श्री पी राधा किशन राव एंड इन हिज लीडरशिप इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव, एसआई केएस रवि, के श्रीकांत, बी परमेश्वर, जी राजशेखर रेड्डी और नॉर्थ जोन के पूरे टास्क फोर्स टीम ये काम किए हैं। आज के इस मौके पर एक और अच्छा गुड न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से पिछले कुछ महीनों में सिटी में ही नहीं पूरे स्टेट में, सभी स्टेट में, पूरे इंडिया के जो बेस्ट डिटेक्टेड केस थे सबका एनालिसिस किया गया और उसके बाद हैदराबाद सिटी पुलिस का एक केस, जिसके कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसीपी रंगाराव जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये थे, इन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और इनके इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट, ट्रायल और कन्विक्शन हुआ। तो कंट्री में बेस्ट इन्वेस्टिगेटर अवार्ड एसीपी रंगाराव को मिला। तो
I will request ACP Ranga Rao to talk briefly about the great recognition which he has got. और इसके पहले आप लोगों को एक बात और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हैदराबाद सिटी पुलिस को दिल्ली में जो स्कॉच अवार्ड हुआ उसमें 5 कैटेगरीज में हैदराबाद सिटी पुलिस को कंट्री में अच्छा पोजीशन रिकॉग्निशन मिला, जिसके लिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी ऑफिसर एंड द एंटायर टीम फॉर दैट. थैंक यू. Good evening all. July 2016 में चिंताकिंदा अनिल बोल के यू नो CDC अलवाल था, वो सारी का वो 9 years गर्ल्स था, यू नो बलारम मच्छा बलारम में उनका मदर और फादर के साथ वो टाड़ी कंपाउंड में बैठ के उनका फादर और मदर टाड़ी पीते के टाइम पे ये बच्चे भी उधर खेल रहा था. वही चांस लेके यू नो अनिल वो ओल्ड अफेंडर था, यू नो जो अलवाल का CDC था, जो वो बच्ची को देख के उनको बिस्किट्स ऐसा दे के उनको किडनैप करके ले गया बुशेस में. ले जाने के बाद उनको जो हीनियस क्राइम करा, जो रेप करा और उसके साथ मर्डर भी करा गर्ल को. होने के बाद जो किडनैप केस और वो केस रजिस्टर कर रहे थे बलाराम पुलिस स्टेशन में 66 of 16 क्राइम नंबर में. होने के बाद एक महीने के बाद उनको अरेस्ट करा चिंताकिंदी अनिल का, जो वन मंथ के बाद अरेस्ट कर रहे थे. जो उनका डिटेल लिए तो यू नो ओल्ड अफेंडर था यू नो अलवाल, और उनका जो सराउंडिंग एरिया में प्रॉपर्टी अफेंडर था, उनका कन्विक्शन भी हुआ था. उनको अरेस्ट करे वन मंथ के बाद, अरेस्ट करने के बाद चिंताकिंदी अनिल को अरेस्ट करा. बाद में वो क्राइम को और अक्यूज को लिंक करके उनका जो सीन ऑफ ऑफेंस में वो चप्पल और उनका कपड़े मिले थे, वो FSL भिजाने के बाद इनका जो सैंपल्स लिया वो और वो कपड़े में जो मिले जो एविडेंस लिंक हुआ था. बाद में कोर्ट में इनको अरेस्ट करने के बाद चार्जशीट डाले थे. चार्जशीट डालने के बाद विदिन 1 year चार्जशीट डाल के और 75 of IPC सेक्शन ऐड करके वो कन्विक्शन लिए थे. जो फर्स्ट MSJ इनको कन्विक्शन 1 year लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, इम्प्रिजनमेंट के साथ लाइफ कन्विक्शन टिल डेथ बोल के कन्विक्शन दिया था. ये सिटी पुलिस का हम जो గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ విధంగా అవార్డు రావటం, సార్ చేతుల మీద తీసుకోవటం కూడా నాకు సంతోషంగా ఉంది.